हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो हमने अभी डिज़ाइन ऑफ पुली से पहले पढ़ा, उसी पे हम एक न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ हमें बता रहा है, अ कास्ट आयरन पुली ट्रांसमिट 20 किलोवाट एट 300 आरपीएम। पावर दिया है 20 किलोवाट और एन दिया है 300 आरपीएम। द डायमीटर ऑफ पुली इज 550 mm। डायमीटर ऑफ पुली इज द 550 mm एंड हैज़ फोर स्ट्रेट आर्म ऑफ इलेप्टिकल क्रॉस सेक्शन। मीन्स जो आर्म लगा हुआ है वो कितना है, नंबर ऑफ आर्म्स इज 4। विच द मेजर एक्सिस इज ट्वाइस द माइनर एक्सिस। ठीक है, मेजर बी वन इज द माइनर एक्सिस, ए वन इज द मेजर एक्सिस। ठीक है, तो अभी इसे माइंड में रखें। नाउ फाइंड द डायमेंशन ऑफ द आर्म ऑफ द एलोएबल बेंडिंग स्ट्रेस इज इतना। आर्म की डायमेंशन करना है, उसका एलोएबल स्ट्रेस है कितना, स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस दैट इज 15 MPa। ठीक है, क्योंकि वो एक तरह का रॉड है, उस पर बेंडिंग फोर्स ही एक्ट होगा ज़्यादातर। सो एलोएबल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, हमारा बेंडिंग स्ट्रेस हो जाएगा 15 MPa, मीन्स 15 N/mm². ठीक है, नाउ मेंशन द प्लेन इन विच द मेजर एक्सिस ऑफ द आर्म शुड लाई। तो हमें ये दो चीज़ फाइंड करना है, आर्म का डायमेंशन फाइंड करना है और प्लेन बताना है किस पे हमारा लाई कर रहा है उसका। नाउ डायमेंशन ऑफ आर्म, आर्म की डायमेंशन करते हैं। नाउ वी नो दैट टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द पुली टी इज इक्वल टू पी इंटू 62 πN। कहाँ से आया, हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू 2πNT/60। देयरफॉर टी इज इक्वल टू पी इंटू 60/2πN हो जाएगा। तो हमारे पास पावर दिया हुआ है, हमारे पास एन दिया हुआ है, इससे हमारा टॉर्क कितना लग रहा है, टोटल टॉर्क हमने निकाल लिया इन न्यूटन मीटर, 636 N/m हमारा आ गया। ठीक है, नाउ मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट पर आर्म एट द हब, एट द हब मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट पर आर्म कितना हो जाएगा, डेट इज बेंडिंग मूवमेंट इज इक्वल टू 2T/N। ये हमने जब डिजाइन कर रहे थे हब पे मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कितना होगा, हमारा ये आया था। सो हमारा T आ गया, नंबर ऑफ आर्म कितना है, तो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट भी क्या हो गया, निकल गया। ओके, नाउ तो हम ये सब क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें तो A1, B1 मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस चाहिए। तो हम ये सब क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, हम इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले अगर आप जो लेक्चर देखे होंगे, उस लेक्चर में आपको बताया था कि किस फॉर्मूले से, ये देखो ये हमारा लास्ट था, तो इस फॉर्मूले से मैंने बताया, थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन ऑफ आर्म वी कैन कैलकुलेट सिग्मा बी इज इक्वल टू 2T/N, इट इज मूवमेंट एंड जेड इज अ सेक्शन ऑफ मॉडुलस। इस फॉर्मूला से हम आर्म का उसकी वेट मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस क्रॉस सेक्शन एरिया मेजर एक्सिस पे और माइनर एक्सिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एम कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, एम टी टी चाहिए, एम कैलकुलेट करने के लिए टी चाहिए था, तो हमने टी कैलकुलेट किया फिर एम कैलकुलेट किया। ठीक है, तो हमारा एम कैलकुलेट हो गया। नाउ सिग्मा बी भी हमारा दिया हुआ है, अब डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे। ओके, तो हमारा सेक्शन ऑफ मॉडुलस हमें एम मूवमेंट आ गया, हमारा बेंडिंग मूवमेंट 318 × 10³ न्यूटन mm। ठीक है, नाउ सेक्शन ऑफ मॉडुलस क्या होगा, π/32 b1 a1 का होल स्क्वायर। सो नाउ जेड इज अ सेक्शन ऑफ मॉडुलस इज इक्वल टू π/32 b1 × a1² था। और हमारा क्वेश्चन बोला है कि आपका जो मेजर एक्सिस है ट्वाइस ऑफ माइनर एक्सिस है। ठीक है, तो a1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ b1, सो a1 की जगह हमने b1 पुट कर दिया। ठीक है, 2b1 पुट कर दिया। ठीक है, तो 2 पुट करेंगे तो हमारा 2b1 यहाँ पुट करेंगे तो 4b1² हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से 32 हमारा यहाँ एक्चुअली 4 लिखा नहीं है तो आप लिख लेना, तो 4 से 32 कैंसिल 8, तो हमारा सेक्शन ऑफ मॉडुलस हो गया π/8 b1³। ये b1² और ये b क्यूब हो गया। ठीक है, नाउ ऑल्सो वी नो डेट द बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी इज इक्वल टू m/z होता है। तो हमने सिग्मा बी हमारा दिया हुआ है 15। ओके, एंड द एम हमारा आया 318 × 10³ और जेड हमारा π/8, तो π b1³ 8 हमारा ऊपर चला गया। ठीक है, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव टू कैलकुलेट b1। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे सारा सब कुछ दिया हुआ सिर्फ सिवाय b1, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन हमने b1 कैलकुलेट किया जो कि आया 37.8 mm। और हमारा रिलेशन दिया है मेजर एक्सिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ माइनर एक्सिस। ठीक है, देयरफॉर a1 इज इक्वल टू 2b1, तो a1 इज इक्वल टू b1 हमारा 37.8 आया, तो 2 × 37.8 mm इज इक्वल टू 75.6 mm। तो ऐसे हमारा a1 और b1 कैलकुलेट हो गया, तो हमारा डायमेंशन आ गया। ओके, तो इतना ही था इस न्यूमेरिकल में। तो आई थिंक आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी हुई है, आप मुझे वहाँ क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।